नमस्कार, मेरा नाम चार्वी शर्मा है। मैं सेवा आइटम में एज ए नर्सिंग एजुकेटर काम करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे फॉल प्रिवेंशन। सबसे पहले फॉल होता क्या है? फॉल का मतलब होता है कि पेशेंट गिर जाते हैं, कहीं पे भी उनका पैर फंस जाता है, या फिर उनकी चप्पल अप्रोप्रिएट नहीं होती, या उनके चलने का जो तरीका है उसकी वजह से वो गिर जाते हैं। तो अब इन चीज़ों का हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है फॉल प्रिवेंट करने के लिए कि पेशेंट ना गिरे। तो आप जब भी घर पे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो सराउंडिंग है वो बहुत सही होना चाहिए कि पेशेंट को हार्म ना हो। तो अब हम देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो स्लिपर्स हैं वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आपके स्लिपर्स जो हैं वो बिल्कुल भी ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा छोटी हो। पेशेंट है, ये पेशेंट चलते चलते ये स्लिप कर जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये जो वायर है आप इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके आप इसको साइड में या तो कहीं पर साइड में टक करेंगे या फिर इसको आप रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई भी शार्प आइटम्स हैं, चाकू या फिर कोई भी जो भी पेशेंट को हार्म कर सकता है या पेशेंट खुद को हार्म कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको क्या करना है, आपको इसको अंडर लॉक एंड की में रखना है। आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ये पेशेंट रीच आउट ना कर सके। तो ये देखिए, हमने क्या देखा, पेशेंट जो है यहाँ से निकल के गए और उनको क्या हुआ, यहाँ से उनको चोट लग गई। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये जो एजेस हैं ये ओपन होते हैं, तो इनको कवर करवाना है, फैमिली से बात करनी है। ऐसा नहीं है ये एजेस जो है वो पेशेंट को हार्म कर सके। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक कमरा है जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा है। इस अंधेरे में पेशेंट अगर आएंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, पेशेंट किसी चीज़ से टकरा सकता है। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रूम में एक प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जो हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई है। और आपको किन चीज़ों का और ध्यान रखना है, अगर पेशेंट को वॉशरूम जाना है या फिर पेशेंट को कहीं पे भी जाना है, तो आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करके रखना है कि आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे, अगर आपको जाना है तो आप हमें बुलाएंगे। तो आप उनको असिस्ट करेंगे, उनके साथ जाएंगे, उनको वॉशरूम लेके जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, पेशेंट जो है वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा नहीं झेल पाते हैं, तो आपकी आवाज़ जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, इन्वायरमेंट की आवाज़ बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट हमारा है कि अगर पेशेंट को कोई स्पेक्स लगाते हैं या फिर हियरिंग एड्स लगाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पेशेंट कोई भी काम करे, पेशेंट अगर चल के कहीं जा रहे हैं तो पेशेंट को स्पेक्स उनके हाथ में दें, या फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि आप स्पेक्स पहन के ही चलेंगे, या फिर आप स्पेक्स पहन के कोई भी बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप वो पढ़ेंगे। और अगर हियरिंग एड्स हैं तो पेशेंट को एक्शन से बताएं कि आपकी हियरिंग एड्स लगा लो, क्योंकि पेशेंट को सुनाई नहीं देता। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो।